तो गाइस अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ और किस तरीके से मेरी जो है वो पैर की उंगलियाँ क्रैक हुई। तो हुआ ये कि मंडे वाले दिन, डेट क्या होगी, आज 9 है तो मंडे को 7 तारीख थी, 7 अगस्त मंडे का दिन, और सुबह 10 बज के अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट हो रहे थे। 10 बज के 5 मिनट में मैं अपने घर से निकली हूँ और मैं मेट्रो तक पहुंची। अब मेट्रो तक थोड़ा सा रश हो रहा था, उधर ना गाड़ियाँ वगैरह रश लगी हुई थी, वो यू टर्न भी है वहाँ से, तो बनारस का रास्ता भी निकल रहा होता। थोड़ा सा आगे जाके मैं रुक गई क्योंकि रश हो रही थी। तो जब मैं रुकी हुई थी, मैं गाड़ी चला नहीं रही थी, मेरी गाड़ी रुकी हुई थी, तो सामने से एक 14-15 साल का बच्चा आया और उसने मेरे पैर पे हिट करी, राइट साइड से ना, मेरा राइट साइड था और उसका जो है वो लेफ्ट साइड था। अच्छा हुआ ये कि जब उसने हिट करी तो उसे थोड़ी सी स्विलिंग हो गई, मेरे पैर के पंजे के ऊपर वो गाड़ी उसकी चढ़ गई और ऑन द स्पॉट मुझे पता चल गया कि ये मेरे पैर जो है वो इंतकाल फरमा चुका है। फौरन ही मैंने जो है ना, लोग वगैरह भी जमा हो गए थोड़े से ना, तो फौरन ही मैंने फर्दर आगे देखा तो फिर मैं अलखदमत पहुँच गई। तो वहाँ जब देखा तो एक्सरे वगैरह हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो उसके पता चला कि हड्डी 3 जगह से क्रैक हो चुकी है, एक जगह से बाल आया और 2 जगह से मुकम्मल फ्रैक्चर टूट गई है। तो उसके लिए पक्का प्लास्टर 6 हफ्तों के लिए बनना है मुझे, और टोटल बेड रेस्ट में से बोला डॉक्टर ने। तो बताने का आप लोगों को डिटेल वाइज मकसद ये था कि भाई मैंने अपनी वजह से नहीं मारी है इसको, ना मेरी गलती थी, ना मैं बाइक चला रही थी उस टाइम पे, मेरी गाड़ी रुकी हुई थी। और तकरीबन लोग मुझे ये बोल रहे हैं भाई पता चल रहा है, एक तो मैं तकलीफ़ में हूँ, उसके बाद भाई तबीयत पूछो कि आप कैसी हो, कितने टाइम लगेगा, दर्द हो रहा है, अच्छी बात करो। हर बंदा लेक्चर दे रहा है, भाई क्यों दे रहे हो यार, मैंने जानबूझ के मारी है क्या, तुम गाड़ी सही नहीं चलाती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, और जो है ना मैंने तुम्हें देखा है। अबे भाई तुमने क्या देखा है, गाड़ी पे बहुत अच्छी चलाती हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चलाती हूँ, 3 3 4 4 बंदों को बिठा के पीछे चलाती हूँ मैं, तुम बिठा लो ज़रा, बीच में आटा शॉर्ट हो गया था, 4 बोरी आटे की अपनी गाड़ी पे रख के लेकर आई थी मैं, आ जाए कोई लड़का लेकर 4 बोरी आटे की रख के, मान जाऊंगी। और मैं भी थी साथ में। और पीछे मेरी मानो भी बैठी हुई थी, 6 बोरियाँ लगा लो, उठा लो कोई, उठा लो, रख लो कोई। अबे गाड़ी सही चलाती हूँ मैं, भाइयों बहनों जो भी मुझे बातें सुना रहे हैं ना, उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो करो, तबीयत पूछो, ख्याल की बातें करो, ताने मत मारो, तंज मत मारो कि अब बाइक मत चलाना और तुम गाड़ी सही नहीं चलाती हो, तुम फलानी हो, तुम ढिमकानी हो, भाई कुछ भी मत बोलो, लग गई है अल्लाह का शुक्र है, लग गई है अल्लाह ने बहुत बड़े हादसे से बचाया, हो सकता था दोनों पैर भी टूट जाते, कुछ भी मसला हो सकता था। तो बराए मेहरबानी किसी की तबीयत पूछने जाते हैं ना, तो उसकी तबीयत पूछते हैं, उसको तकलीफ नहीं पहुंचाते, ताने मारे, समझ गए आप लोग, बस थैंक यू। और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा ख्याल कर रहे हैं अभी, जो मुझसे प्यार जता रहे हैं, स्पेशली मेरे घर वाले तमाम, सबका नाम लेके मैं थैंक यू बोलूँगी। सबसे पहले अम्मी अब्बू का, डियर का, शन्नू सोनू राबिका, भाई कोमल मुस्तफ़ा, अजान, स्पेशली अजान, अजान और डियर तो मुझे लेकर एक्सरे के लिए जो भागे हैं ना, बस मैंने उनको फ़ोन किया फ़ौरन पहुंच गए लोग, जो भागे, जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है, बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का भी, और सब बहुत अच्छे, सब सब बहुत अच्छे, अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे और मुझे जल्दी जल्दी सही कर दे, फिर इंशाल्लाह इन सबको मैं ज़बरदस्ती ट्रीट दूंगी, ज़बरदस्त इन लोगों को घुमाए लेके जाऊंगी और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह जब मैं सेट हो जाऊंगी, अभी भी मज़ा आ रहा है। और गाइस सबसे बड़ी मज़े की बात आप लोगों को बताऊं कि हिना भी आई मेरे लिए, आम लेकर आई, सेब लेकर आई, इसके अलावा उससे पहले जो है मेरे ख्याल से आई थिंक मंडे की रात को ना उसके घर पे दावत थी, तो मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे चोट लग गई थी, तो उसने मेरे लिए शाही टुकड़े भेजे, मेरे लिए बिरयानी भेजी, मेरे लिए पराठे भेजे और मेरे लिए गोला कबाब भेजे, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आए देखने आए, कुछ लाए साथ में खाने पीने को, जूस, जूस लिया आम का।